गांव दुनोदम है मोदी गांव, पुतला फूकने की तैयारी। 26 मई को काला दिवस मनाने की तैयारी। फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं दुनोदा गांव बस स्टैंड की है, यहां पर 26 मई काला दिवस मना रहे मोदी का पुतला फूंक कर। बस मार लो गेट का, मार लो इसका। जिंदाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तीनों काले कानून वापिस करो वापिस करो वापिस करो। तीनों काले कानून वापिस करो वापिस करो वापिस करो। नशा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। टोल पे किसान है। आज पूरे देश के अंदर ब्लैक डे मनाया गया है किसानों की तरफ से, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, संत मोर्चा के नेतृत्व में आंदोलन चला हुआ है, उसका फैसला था। आज मोदी सरकार ने शपथ ली थी और किसान आंदोलन के 6 साल पूरे होने के उपलक्ष में पूरे भारतवर्ष में मोदी सरकार का विरोध करने के लिए काला दिवस मनाया गया है। सभी मकानों पर काले झंडे फहराए गए हैं और विरोध जताना लोकतंत्र में सबका अधिकार है, उसी को संत मोर्चा ही काल को मानते हुए हम आज के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं सरकार को। जब तक भी चाहे आंदोलन हमें कभी तक चलाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक तीनों काले कानून या सरकार वापस नहीं लेगी और MSP गारंटी का कानून लेगी। और एक अपील और है, हमारे युवा साथियों ने फैसला किया है आज 4 बजे बिनैन खाप के ऐतिहासिक चबूतरे पर इकट्ठा होकर के दोनों गांव में मोटरसाइकिल यात्रा निकालेंगे। सभी युवा साथियों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बिनैन खाप के ऐतिहासिक चबूतरे पर पहुंचे 4 बजे। आज किसानों की ओर से जो ब्लैक डे मनाया गया है, क्या लगता है सरकार के ऊपर कोई ना कोई दबाव बनेगा? देखो, ये बेशरम सरकार है, दबाव तो लगातार हम बनाते आए हैं, लेकिन हमारा काम लड़ना है। जब तक कानून वापस नहीं होगा लड़ते रहेंगे।